हेलो। यस सर। आ गया सब लोग। सब लोग आ गया। कुछ पढ़े हो तुम लोग? कुछ पढ़ लिख के रखे हो मेटल नॉन मेटल में? फिजिकल यस सर, पढ़े से चैप्टर। प्रॉपर्टीज पढ़ लिया पूरा? चलो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना। लिक्विड मेटल का एग्जाम्पल सब बताओ। ये लिक्विड मेटल आंसर क्या होगा? मरकरी, मरकरी और मरकरी सॉरी, मर्क्यूरी। और एक सिंबल बी क्या से होता क्या है पता मर्क्यूरी का? सिंबल नहीं। हाँ, HG। ठीक है, चलो लिक्विड नॉन मेटल बताओ। ब्रोमिन, ब्रोमा, ब्रोमीन, सिंबल Br। चलो ये बताना, एम मेटल, रुको एक मिनट, विच मेल्ट्स बाय कीपिंग इट ऑन पाम। बताओ तो कौन ऐसा मेटल है जिसको पाम पे रखते ही वो मेल्ट हो जाएगा, हाथ में लेते ही वो मेल्ट कर देगा, मेल्ट हो जाएगा, बताओ। बताओ आंसर, किसी को आता है? बोलो हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो यार। नो सर, नहीं आता है? नो सर, इट विल बी गैलियम। गैलियम सुने हो? गैलियम Ga इसका सिंबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो ना, यस सर। जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मेटल तो जनरली सॉलिड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 25 डिग्री से भी कम होता है। तो रूम टेम्परेचर हम लोग का कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर बताओ तो? कितना डिग्री सेल्सियस है हम लोग के बॉडी टेम्परेचर? 37। 37। तो इसका अराउंड मेल्टिंग पॉइंट 25 के आसपास होता है। तो जैसे उसको हाथ पे रखोगे तो वो मेटल क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या मेल्ट हो जाएगा। कौन सा मेटल है वो? गैलियम, गैलियम। जी ये इसका सिंबल होता है। बताना, ए मेटल विच इज ब्रिटल। ब्रिटल समझते हो? या ऐसे बताओ, मेटल जो सॉफ्ट होता है। सोडियम, सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हैं जिसको कि नाइफ से कट कर सकते हैं हम लोग? ये बताए थे ना, सोडियम और पोटाशियम। पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम, सोडियम Na हो गया, पोटाशियम K हो गया। सारे मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यस सर। और सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ नॉन मेटल, एक दो नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है। बताओ तो, ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर। बोलो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना। एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बोलो, रेडियम,
तो ये सब भी नहीं पढ़ के रखे हो तुम लोग, ये सब तो बुक में दिया हुआ है, तुम लोग को बोले थे बुकलेट से पढ़ने। बताओ बताओ जल्दी, सुने हो या पढ़े हो? अरे हाँ या नहीं बताओ ना, नहीं बोलोगे तो बता देंगे, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। आता है या नहीं? नो सर। तो बोलो, किसी को नहीं आता है? हेलो, आता है किसी को? बोलो यस या नो, नहीं आता है तो बोलो, बताऊंगा। यह होता है ग्राफाइट। हाँ सुने हो ग्राफाइट? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहता है? पता नहीं था, गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर होता है ना, ग्राफाइट कार्बन से बना होता है। किसका बना हुआ है ये? कार्बन से। सारे नॉन मेटल जो होते हैं जनरली पढ़े होंगे कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, चलो ये बताना। एक गैसियस नॉन मेटल बताओ। बता, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो इसमें थोड़ी ना कुछ सोचना है। सॉलिड नॉन मेटल बताओ, ये बताए थे उस दिन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। कार्बन, सी फॉर कार्बन है। सी किसका सिंबल है? कार्बन का। पी फॉस्फरस का, एस सल्फर का। ठीक है? यस सर। नहीं पढ़े हो तुम लोग ढंग से। अब बताओ, एक मेलिएबल मेटल का नाम बताओ जो कि बहुत आसानी से मेलिएबल हो सकता है। मेलिएबल प्रॉपर्टी पढ़े हो ना? मेलिएबल मतलब लास्ट क्लास में बताए थे। What do you mean by malleability? Sir, zinc. Malleability or ductility का define करो तो। Sir, malleable metal zinc हो गया। Malleable में तार, पतला तार जितना हो सके। वो तो ductility होता है। हाँ नहीं, malleable में sheet बन जाता है पतला पतला। Malleability मतलब thin sheets में उसको beat कर सकते हैं हम लोग, break कर सकते हैं thin sheets, बहुत पतला पतला sheets बना सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब उसको थिन वायर्स में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है हर एक मेटल का, जिसकी वजह से उसको थिन वायर्स में ड्रॉ किया जाता है। मेलिएबल मेटल तो सबसे मोस्ट मेलिएबल मेटल जो होता है ये गोल्ड होता है। गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड बहुत ही ज्यादा मेलिएबल होता है। सिंबल बताओ गोल्ड का। Ar. Ar तो सिल्वर है यार। Au. Au. मोस्ट, लेकिन इसको यूज नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखो एल्यूमिनियम ज्यादा कॉमनली यूज होता है। देखे हो ना, एल्यूमिनियम के फॉइल्स बनाते हैं ना बहुत पतले पतले, तो एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है। गोल्ड को वैसे बहुत थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं होता बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव नेचर। एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव। तो एल्यूमिनियम हो गया। चलो एक डक्टाइल मेटल का नाम बताओ, एग्जांपल बताओ जिसके के वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का वायर कहाँ देख लिए यार तुम? सुने हो कहीं सोडियम का वायर है? सर कॉपर, सिल्वर। कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है। सिल्वर भी यूज नहीं होता क्योंकि ये कॉस्टली है। एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम का वायर होता है। प्लैटिनम। प्लैटिनम का वायर होता है। तो गोल्ड प्लैटिनम जनरली यूज होता नहीं है क्योंकि ये कॉस्टली है, मतलब सिल्वर भी यूज नहीं होता है। कॉपर मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है हम लोग के रूम में, जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है, वो किसका होता है? कॉपर का मोस्टली। सोडियम पोटासियम कौन बोल रहा है? सोडियम पोटासियम कभी वायर में बना सकते हैं क्या हम लोग?
बना सकते हैं सोडियम पोटेशियम को? नो sir. वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो तो पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडरी फॉर्म में, या बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, उसको थोड़ी ना हम लोग वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स याद रखना. अब ये बताओ, जैसे नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्टली वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गैसियस फॉर्म में रहेगा, या फिर कुछ केसेस में लिक्विड में. एक लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है बस एक, और बहुत कम ही नॉन मेटल जो है जो सॉलिड में रहता है. लेकिन फिर भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नॉन मेटल से बना हुआ. बताओ तो कौन सा है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस? डायमंड. डायमंड एक्चुअली वो मेटल नहीं है, वो किससे बना होता है? डायमंड कार्बन से बना हुआ है. डायमंड जैसे ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन से बना हुआ है ना, तो डायमंड भी एक कार्बन का ही फॉर्म है. तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, तो डायमंड एक्चुअली नॉन मेटल से बना हुआ है, फिर भी वो मेटल से भी बहुत ज्यादा गुना हार्ड होता है. समझ में आया? तो ये सब एक्सेप्शन है. डायमंड एक्चुअली नॉन मेटल का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. मेटल से भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो. क्लियर है? तो ये सारे एक्सेप्शंस याद रखना. ठीक है, ये सब पूछा जाएगा तुम लोगों से, एग्जांपल से सब याद रखना. ठीक है, एक बार पढ़ोगे बुक में, वो बुकलेट जो दिया हुआ है तुम लोग को, उस सब में एक बार रीडिंग मारोगे, अपने आप सारा मिल जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया था ना लास्ट क्लास में हम लोग मेटल नॉन मेटल का, तुम लोग को पढ़ने भी बोले थे. ठीक है, जस्ट मेटल का क्या हो जाएगा, मेटल का लास्ट क्लास में लिखवाया था ना, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखवाए थे ना लास्ट क्लास में. नॉन बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर. हाँ, तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट मेटल का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. जैसे मेटल होता था डक्टाइल होता था, नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन डक्टाइल हो जाएगा. मेटल होता था मेलिएबल, नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन मेलिएबल. मेटल्स जनरली होते थे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, एक्सेप्ट इसमें ग्रेफाइट जैसे गुड कंडक्टर होता है. अब नॉन मेटल, मेटल में हम लोग पढ़े थे सोनोरस होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है. नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं. मेटल का पढ़े थे हम लोग, मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन नॉन मेटल जनरली गैस और गैसेस फॉर्म में मिलेगा. जनरली लिक्विड फॉर्म में बस एक ही होता. ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल था बताओ जल्दी से. लिक्विड फॉर्म ब्रोमीन. ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल याद रखना हमेशा. एक ही लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, और एक ही लिक्विड मेटल है कौन सा? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. ठीक है, तो ये सब डिफरेंस याद, ये सब एक्सेप्शन पूछा जाता है. क्लियर है ना? तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर से रीडिंग मार लेना तुम लोग बुकलेट से, जो भी डाउट होगा ना. आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली हम लोग, तुम लोग को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर एक बार लिखवाए थे, याद है? यस सर. तो उसी का हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग सीखेंगे मेटल नॉन मेटल का. तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए तुमको सबसे पहले इसका मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. मेटल या कोई भी मेटल नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या? ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तुम लोग को पता है कि एटम जो होता है वो कैसे बना हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स, इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम. ठीक है, जैसे पढ़े हो ना कि स्ट्रक्चर एटम का कैसा होता है. एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये एटम है, तो बीच में होता है न्यूक्लियस. पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो देख लो. बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस है ये. जैसे सोलर सिस्टम पढ़े हो ना, सोलर सिस्टम देखे हो,
यस सर। सोलर सिस्टम में सन बीच में रहता है और प्लैनेट्स उसके चारों बगल अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। उसके बाद दूसरा? वीनस। वीनस। तीसरा मार्स। तीसरा अर्थ है ना? थर्ड अर्थ है। फोर्थ मार्स। फिफ्थ जुपिटर। सिक्स्थ सैटर्न। सैटर्न। सेवेंथ यूरेनस। एट नेपच्यून। नेपच्यून। प्लूटो हट गया, प्लूटो प्लैनेट नहीं है अभी, ठीक है। चलो तो उसी तरह यहाँ पे उसी टाइप का मॉडल है, जैसे कोई भी एटम है तो बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके चारों बगल रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे इधर बना रहे हैं, जैसे ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, ठीक है। तो ये एटम था, तो ये इसको बोलते हैं, पहला वाला जो शेल है इसको के सेल बोलते हैं, दूसरा वाला सेल को एल सेल बोलते हैं, तीसरा वाला शेल को एम सेल बोलते हैं, और इसी तरह चौथा वाला सेल अगर आएगा ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं उसको एन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे शेल होते हैं, शेल या फिर इनको ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, ठीक है। तो हर एक एटम का अराउंड ऐसे शेल्स बने हुए होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर ये समझ जाना, एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम्स के अंदर सबसे पहले एटम ही फाइंड आउट किया गया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तुम लोग सुने हो? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी नहीं सुना? ठीक है, पढ़ोगे वो आगे क्लास नाइन्थ में। तो एटम का डिस्कवरी वो किया था, बोला था एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन अब जैसे ही अदर साइंटिस्ट बाद में डिस्कवरी हुआ बहुत सारा, एटम्स को भी फर्दर ब्रेक किया गया, किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और तीसरा न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ये होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा एटम के अराउंड। प्रोटॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता इस पे। तो एटम के अंदर तीन, ये इन तीनों को हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या हुआ कि वो एटम्स को फर्दर जब ब्रेक करते हैं तब ये मिलता है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल में आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन हो गया न्यूट्रल या जीरो चार्ज। ये ध्यान रखना, जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल होता है उसी तरह एटम का भी मॉडल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में रहेगा, सेंटर में, और एटम के बीच में न्यूक्लियस रहेगा जिसके अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो कभी भी देखो ये ध्यान रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। चेंज किसका नंबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, क्योंकि लॉस या गेन जो होगा वो किसका होगा? जो बाहर प्रेजेंट होगा उसी का होगा ना। तो बाहर क्या प्रेजेंट होता है? आउटर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते रहता है? कौन सा पार्टिकल, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बताओ? कौन करता है बोलो? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है ना। हेलो,
हेलो यस सर आवाज आ रही है? यस सर। तो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में? जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना अपने अपने ऑर्बिट में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन किसका पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन का ही पॉसिबल है। प्रोटॉन का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, प्रोटॉन का नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? चेंज किसका नंबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। जैसे एटम का ऑर्बिट होता है, यहाँ बताए हैं ऑर्बिट या शेल। तो सबसे पहला वाला जो शेल होता है उसको कौन सा सेल बोलते हैं? नेम है इसका। पहला वाला सेल कौन सा सेल है? के सेल। दूसरा वाला एल, तीसरा वाला एम, और चौथा वाला एन सेल, ठीक है? तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इन सभी सेल में हम लोग अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इतना लिख लियो तुम लोग, लिख लियो तो बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बोलो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद है ना तुम लोगों को? यस सर। याद है? अब देखो, जैसे कोई भी एटम अगर तुमसे बोला जाए, कोई भी एटम जो होता है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि एन एटम, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम जो होता है अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, जीरो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जीरो चार्ज। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर रहे हैं, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, जिसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल अंदर उसके एटम के अंदर है तो फिर वो न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे होगा न्यूट्रल? बोलो, कोई आंसर करो। अगर उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो फिर न्यूट्रल कैसे हुआ वो? कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं हम लोग? प्लस माइनस माइनस। हाँ, क्योंकि दोनों के पास क्या है, और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन का होता है उतना नंबर सेम नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे मान लो किसी भी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है तो उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? उतना ही नंबर क्या हो जाएगा? क्या बोले? ये बोले कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं इसमें चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो है ना। तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए ना एटम पे। लेकिन एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस हो गया। हाँ, एक प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। अगर अपोजिट चार्ज रहता है तो अपोजिट चार्ज, जैसे मान लो माइनस 10 है और प्लस 10 है, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है। अब दोनों का नंबर सेम होता है, ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी एटम में 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है? तभी तो वो दोनों कैंसिल आउट करेगा ना। अब जैसे मान लो 10 प्रोटॉन हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 9 ही प्रोटॉन है, तो ये कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं। इसके ऊपर तो माइनस 1 बच जाएगा। अब जैसे मान लो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो और 10 प्रोटॉन हो, तो ये कैंसिल आउट होगा? नो सर।
ये प्लस वन हो जाएगा, ये सब न्यूट्रल हुआ क्या? प्लस वन पोजिशन नहीं हुआ ना, न्यूट्रल हुआ? नो सर। तो कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया? गलती। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रल कैसे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो तभी दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ओवरऑल चार्ज कितना बच जाएगा, जीरो। इसलिए कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आ गया इतना बात? यस। चलो अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तब देखो किसी भी एटम का सिंबल लिखने आता है तुम लोगों को? नोश। जैसे मान लो एक्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे, ये एक्स है, यहाँ पे आता है जेड और यहाँ पे आता है ए। एक्स क्या डिनोट करता है, ये है सिंबल, किसी भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का सिंबल होता है ना, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है, पढ़े हो ना वो सब, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है। Hello? समझ में आया? Hello, sir. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। X क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है बोलो? एक्स डिनोट कर रहा है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जेड क्या डिनोट कर रहा है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और ए होता है मास नंबर। ए क्या होता है, मास नंबर। ये लिखवाए थे तुम लोग को पहला क्लास में, 1 से 20 तक का, याद है? X होता है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, Z होता है एटॉमिक नंबर और A होता है मास नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, एक बता रहा है, ये लिख लो पहले। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सोडियम का हमको लिखना है, तो सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, सोडियम का सिंबल बोलो, Na। S होता है सोडियम का, S तो सल्फर का होता है ना, इसलिए 1 से 20 तक याद कर लो सारे एलिमेंट का सिंबल और एटॉमिक नंबर, ठीक है? सर Na। हाँ बोलो। कुछ नहीं। सोडियम का सिंबल हो गया Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, बताओ? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11। याद करो इसको 1 से 20 तक, फिर बोल रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11 और सोडियम का मास नंबर होता है 23। तो ये हो गया सोडियम का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन अगर लिखने बोला जाए तो ऐसे लिखें। जैसे मान लो तुमको बोला गया ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 और मास नंबर होता है 16। कार्बन का लिखना हो तो सिंबल हो गया C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। एल्यूमिनियम का लिखना है, सिंबल हो गया Al, एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। सल्फर का लिखना है, सिंबल हो गया S, एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32। ये किसका है, सल्फर, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नो सर। एग्जांपल लिखते जाओ। सर मास नंबर को राउंड ऑफ क्यों किया जाता है? राउंड ऑफ मतलब जैसे 32. हाँ, मेनली होल नंबर में ही लिखते हैं डेसिमल में, मतलब कैलकुलेशन जैसे आगे यूज करोगे ना, अभी फर्दर नाइन्थ क्लास में जाओगे तो सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट 32 डेसिमल में ही होता है, लेकिन हम लोग आसानी से याद रखने के लिए या कैलकुलेशन में यूज करने के लिए वो होल नंबर यूज करते हैं। ओके सर, ठीक है, बताओ ये इसका।
मैग्नीशियम का बताओ सर. मैग्नीशियम का Mn एटॉमिक नंबर 25. क्या बोल रहा, मैग्नीशियम पूछ रहा है, वो मैंगनीज है. Mn मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम Mg है, एटॉमिक नंबर 12. ठीक है, एल्युमिनियम से पहले देखो, मैग्नीशियम का से मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों अलग चीज है. दोनों अलग अलग मेटल है. ठीक है, ये मैग्नीशियम है, सिंबल Mg. हाँ, Mg है ये. इसका मास 24. इसका एटॉमिक नंबर होता है 12. और एक होता है मैंगनीज, ये है मैंगनीज, इसका सिंबल है Mn. दोनों अलग अलग मेटल है. ठीक है, ये Mn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25. तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम पूछा है ना, तो ऊपर वाला 12 और मास नंबर इसका कितना हो जाएगा? 24. ठीक है, पोटेशियम का है क्या? कुछ नहीं सर. पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम के. हाँ, के एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39. ठीक है, कहा बोलो सर? पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19. इसका बताओ. फ्लोरीन का बताओ, फ्लोरीन का. सर क्लोरीन का सिंबल Ci. क्या? क्लोरीन का सिंबल फ्लोरीन, फ्लोरीन F. F सर, F. उसका पूरा बताओ. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 9, मास 19. मास नंबर बताओ जल्दी. तो मास नंबर 19. 18.998. हाँ, उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख लेंगे? 19. क्लोरीन का बताओ. Ci. क्लोरीन Ci. क्लोरीन एटॉमिक नंबर Ci है या Cl है? सॉरी सर, Cl. Cl. तुम लोग यहाँ ढंग से पढ़ते भी नहीं हो. एक्चुअली क्लोरीन का हम लोग लेते हैं, ये पढ़ोगे आगे. आइसोटोप्स पढ़े हो तुम लोग क्या? ठीक है, वो बाद में बताएंगे, नाइन्थ में वो पढ़ोगे. मैं तो ये चैप्टर खत्म होगा तब फिर बताएंगे. ठीक है, तो अभी ये राउंड ऑफ करते हैं तो फिर लिखते कैसे? ये इसका दो होता है ना, एक 37 भी होता है, 1735 भी होता है और एक 1737. सर मान लीजिए पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर 5 1 1 1. हाँ, तो राउंड ऑफ नहीं सीखे हो मैथ्स में. फिर 38 हो जाएगा अगर 37.51 हो तो. नहीं नहीं, वो 35 लेते हैं, वो 5 से कम है. कहाँ लिखा हुआ है? से बस पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं, वो 5 से कम, 5 या 5 से ज्यादा. 5 में हम लोग देखते हैं ना, अगर उससे पहले इवन रहता है तो वो कम नहीं करते हैं, ऑड रहता है तब करते हैं. वो पढ़े होगे ना मैथ्स में राउंड ऑफ करने. यस, तो वो इवन ऑड 5 के केस में सिर्फ ऐसा होता है. अगर 5 से ज्यादा, जैसे मान लो 36.6 रहेगा, तब फिर उसको राउंड ऑफ करके 37 लिख लेंगे. ओके सर. अगर 36.5 रहता है तो उससे पहले क्या है यहाँ पे? ये इवन नंबर है, तो इस केस में ये कितना रहेगा? ये 36 ही रहेगा. अगर ऐसा रहता 35.5, तो 5 से पहले ये ऑड है ना, तब ये हो जाता 36. ये सिर्फ 5 के केस में होता है.
लेकिन 5 से ज्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली एक बढ़ा देंगे। पढ़े होगे ना, ये मैथ्स में बताया जाता है राउंड अप। चलो ठीक है, सिंबल लिख लोगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एक्स होता है सिंबल, जेड होता है एटॉमिक नंबर और ए होता है मास नंबर। मास ठीक है, गॉट इट? इसमें कोई डाउट है लिखने में? नो। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक लिखना है हम लोगों को, 1 से 20 तक सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेनली हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये अभी बताए थे तुम लोग को, कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों इक्वल होता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जेड, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। तो जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है और मास नंबर 23 है, मास तो एटॉमिक नंबर 11 है, जेड का वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें कितना हो जाएगा? जितना एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 11। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा इसके पास? 11। समझ में आया? ठीक है सर, रिपीट कर सकते हैं एक बार? यहाँ ध्यान दो ना, तो लिखा हुआ तो है सारा चीज। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। किसी भी एटम में जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे सोडियम का केस यहाँ पे ले रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर? अरे बोलो यार, आवाज नहीं आ रहा है क्या? 11 है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? 11, क्योंकि कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सीखो बस। जैसे इसमें बताना तुम लोग, सल्फर में 16 और 32 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा बोलो? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अब इसमें क्या सोचना है? 16। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है, यही एटॉमिक नंबर डिनोट करता है ना, जो नीचे लिखा हुआ रहता है Z। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू इसका 16 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएगा? 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो एल्यूमिनियम में बताओ, 13 है 27 है, एल्यूमिनियम का बताओ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 13। एटॉमिक नंबर इसका 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, अगर वो न्यूट्रल एटम है तो, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तभी तक। चार्ज आ जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ न्यूट्रल का केस देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर।
चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी बताए थे के सेल, एल सेल, एम सेल और एम सेल, ये चार सेल होता है। के सेल में मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है बोलो? एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ये लिख रहा है। एम सेल में भी 8 ही हम लोग फिल करते हैं और एन सेल में 18। तो इसको बोलते हैं हम लोग ये वाला रूल 2 8 8 18। इसको ये जो साइंटिस्ट इसको बनाया था इसको बोर बरी रूल बोलते हैं। दो अलग अलग साइंटिस्ट था, एक नील्स बोर था और एक बरी, ये दोनों मिलके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको केएलएमएन रूल भी बोलते हैं या फिर बोर बरी रूल, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? मैक्सिमम है 2, मतलब पहला वाला सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे वाले सेल में 8, तीसरे वाले सेल में भी 8 और चौथे वाले में 18, ठीक है, 2 8 8 18 ऐसे याद रखना। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रूल है बोलो जल्दी? हाँ, बोर बरी रूल, ठीक है, हो गया। अब स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो तो ये याद रखना, पहले वाले सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे वाले में 8 मैक्सिमम, तीसरे वाले में भी 8 और चौथे वाले में मैक्सिमम 18, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 20 तक का लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 20, ठीक है, 1 से 20 तक का लिख रहे हैं हम लोग। तब देखो 1 से 20 तक का सबसे पहला यहाँ लिख रहे हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, ये टेबल बना लेना एटॉमिक नंबर। इधर लिखेंगे हम लोग सिंबल और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसा टेबल बना लो और उसके बाद अब लिखो एटॉमिक नंबर 1 क्या हो जाएगा, कौन सा एटॉमिक नंबर 1? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे यार 1 तो बता दो। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखे या सिंबल ही लिखे सिर्फ? सिंबल लिखिए, तुम लोग कुछ भी याद नहीं किए हो। सिंबल हाइड्रोजन या सिंबल हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? फिर 1, 1, तो इसके पास तो एक ही सेल होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बस 1। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सिर्फ क्या हो गया 1। चलो अब दूसरा एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम, हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या हो जाएगा? HE। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, क्योंकि पहले वाले शेल में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना? यस सर। तो 2 उसमें चला गया। तीसरा बताओ एटॉमिक नंबर 3, लिथियम, लिथियम सिंबल क्या हो जाएगा? Li, Li, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 3 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 1 होगा, क्योंकि पहले वाले सेल में तो 2 ही जा सकता है मैक्सिमम, 3 जा सकता है क्या?
मैक्सिमम बताए थे ना पहले वाले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है? टू. तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तीन है. तो तीनों तो पहले वाले सेल में नहीं जा सकता है ना. एक जो बच गया वो कौन से सेल में चला जाएगा? दूसरे वाले सेल में चला जाएगा. यहाँ पे ऐसे लिख देना, यहाँ पे ये हम लोग, चलो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं. यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये वाला सेल है के सेल. उसके बाद दूसरा सेल कौन सा होता है? एल. तीसरा होता है एम और चौथा एन. तो ये टू कॉमा इसमें वन, एल सेल में चला गया. ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट बोलो. नो सर. चलो फोर्थ बताओ. बेरिलियम. यही है ना? यस सर. सिंबल क्या हो जाएगा? बीई. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ. अब फोर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? टू कॉमा टू कॉमा टू. टू. फाइव बताओ. बोरोन. बोरोन कैपिटल बी. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फाइव है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? टू कॉमा टू कॉमा थ्री. ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले सेल में मैक्सिमम एट तक जा सकता है, पहले वाले सेल में मैक्सिमम दो ही जा सकता है. सेकंड वाले सेल में मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? एट तक. तो इसके पास पांच थे ना, तो पहले वाले में दो और बाकी जो बच गया वो एल सेल में. ठीक है, सिक्स बताओ. उसी तरह ट्वेंटी तक लिखते जाओ तुम लोग. कार्बन. सिक्स है कार्बन, बताते जाना जल्दी जल्दी. अब सी होता है सिंबल, क्या हो जाएगा? टू कॉमा 2.4. 7 बताओ. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? 2.5 होगा. चलो 8 बताओ. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ओ ओ 2.6. 9 बताओ. फ्लोरीन. फ्लोरीन क्लोरीन. क्लोरीन एफ 2.7. 10 नियॉन. नियॉन सिंबल ne. 2.8. 11 बताओ. सोडियम. सोडियम सिंबल क्या होता है? सोडियम सिंबल हो गया ना. इसका बताना कॉन्फ़िगरेशन. 2.8.1. हां 2.8.1 हो जाएगा, क्योंकि अब सेकंड सेल में भी मैक्सिमम बताए थे कितने तक जा सकता है, 8 तक ही जा सकता है. तो 8 तो पूरा हो गया ना यहां पे. एक और इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किसमें जाएगा? थर्ड वाले शेल में, KLM शेल में. ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. नो सर नहीं है. किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना. 12 बताओ. मैग्नीशियम. Mg. इसका बताओ. 2.8.2. 13 बताओ. एल्यूमिनियम. सिंबल क्या होगा? ए. ए क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन बोलो. 2.8.3. 14 बताओ. सिलिकॉन. सिलिकॉन एस आई. कॉन्फ़िगरेशन 2.8.4. लिखते जा रहे हो ना? Yes. 15 बताओ. फास्फोरस. फास्फोरस. फास्फोरस का सिंबल होता है पी. कॉन्फ़िगरेशन 2.8.5. 16. सल्फर. एस. एस. 2.8.6. 17. क्लोरीन. सीएल. सीएल. 2.8.7. 18. आर्गन. AR. 2.8. Potassium. Potassium. K. K. 2.8.1. 2.8.1 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है क्यों?
क्योंकि थर्ड वाले शेल में भी बताए थे कितना जा सकता है, का मैक्सिमम 8 है, 8 है, तो उसके बाद जो ए, इसके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो तीसरा तक तो 18 पूरा हो गया, 288, 18 तो पूरा हो गया था, एक जो बचा वो किस में चला जाएगा, एन सेल में, के एल एम एन। चलो 20 का बताओ, कैल्शियम सी ए, कैल्शियम सी ए, ए इसका कितना होगा, 2882 2882 ठीक है, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये लिख लो पहले, सब लोग लिखो सर, हो गया 1 से 20 तक, कोई डाउट है किसी को लिखने में तो बताओ। बोलो। नो सर नहीं है, कोई डाउट नहीं। नो सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पेक्टिव शेल में। तो टोटल शेल कितना अभी तक पढ़े हम लोग, के एल एम और एन। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8 और एन सेल में 18। तो अभी तुम लोग को 20 तक ही जरूरत पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 तक याद रखना। अब इसमें देखो, आउटर मोस्ट सेल समझते हो, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे बाहर वाला सेल। तो जैसे कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कौन सा है बताओ? एन सेल। तब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आउटर मोस्ट सेल में देख लेना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर आउटर मोस्ट सेल में तुमको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिला, तो वो जनरली क्या कहलाते हैं, जनरली वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो जनरली क्या हो गया, किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो जनरली नॉन मेटल्स। और आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस भी नॉन मेटल ही है ना, गैस है तो नॉन मेटल ही है। समझ में आया? हेलो। यस सर। इसको नोट कर लो, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहा, तो वो जनरली क्या कहलाएगा, मेटल। 5, 6, 7 रहा तो नॉन मेटल। 8 इलेक्ट्रॉन रहा तो, सर 8 या 8 से अबव या ओनली 8, आउटर मोस्ट सेल में 8 सिर्फ 8 या, अच्छा 8 या 8 से ज्यादा थोड़ी ना, 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखो एक सिर्फ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम यहाँ पे लिख लेना, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं देखो, तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो, हीलियम का चेक करो, हीलियम का एक ही तो सेल ही है उसका, एक ही शेल है ना, तो वही सबसे आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो 2 है, तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 है, तो इसके, इसमें मैक्सिमम तो 2 ही जा सकता है ना, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। तो हीलियम भी नोबल गैस होता है, हीलियम भी नोबल गैस होता है। तो ये ध्यान रखना कि हीलियम एक ऐसा नोबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है, उसके अलावा बाकी नोबल गैस कौन कौन सा आ गया बताओ, तो नोबल गैस का एग्जाम्पल बताओ जो 1 से 20 तक हम लोग पढ़े हैं, नोबल गैसेस कौन सा आ गया 1 से 20 तक में, नोबल गैसेस 1 से 20 तक में, एक हीलियम हो गया, दूसरा
दूसरा बताओ, हीलियम के बाद अलावा नोबल गैसेस कौन कौन सा हो गया? नियॉन, हाँ नियॉन और आर्गन, ये तीन आया 1 से 20 तक में, फ्रॉम 1 to 20 एटॉमिक नंबर, ये तीन मिला ना, और तो कुछ नहीं है। ये 1 से 20 तक में नोबल गैसेस कौन कौन से आ जाएंगे? हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ये चीज ध्यान रखना, जनरली अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जनरली मेटल कहलाएंगे, 5, 6, 7 रहा तो जनरली नॉन मेटल। ठीक है, अब मान लो जैसे 4 आ गया तो, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो ये सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव करता है? मेटलॉइड, बताए थे ना लास्ट क्लास में। yes. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ये। ठीक है, क्लियर है ना? yes. तो 1, 2, 3 रहा जनरली, yes. तो वो क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या बनेगा वो, क्या कहलाएगा? मेटल। आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 रहा तो नॉन मेटल, और 4 अगर रहा तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह वो बिहेव कर सकता है, मेटलॉइड। ठीक है, जैसे कार्बन में भी 4 आ रहा है तो कार्बन का भी देखो, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कार्बन का नॉन मेटल ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस हम लोग पढ़ेंगे, ये लूज या गेन दोनों कर सकता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, ये क्लियर है ना? जनरली ये लिख लेना कि आउटर मोशल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो जनरली वो मेटल कहलाएगा, 5, 6, 7 हुआ तो जनरली नॉन मेटल कहलाएगा, और 8 रहा एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 ही रहता है फिर भी वो नोबल गैस है, 8 रहा तो वो नोबल गैसेस बन जाएगा, और गैस है तो नॉन मेटल ही रहेगा ना, मेटल तो गैस में नहीं रहता है, रहता है क्या? मेटल गैसेस फॉर्म में मिलता है क्या नॉर्मली? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई डाउट है इसमें? चलो तो आज के क्लास में कोई डाउट देख लो एक बार शुरुआत से, कोई डाउट नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। पूछना है सब समझ में आ गया। तो एक बार इसको बुकलेट से पढ़ना तुम लोग, ठीक है, वो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ के रखना एक बार, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। KLMN का फुल फॉर्म बता दीजिए, भूल जा रहे बार बार। फुल फॉर्म क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। K शेल, L सेल, M सेल और N सेल, वो अल्फाबेट नोटेशन दिया गया है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पहले वाले शेल को हम लोग K शेल बोलते हैं, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M और चौथे वाले को N। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है ना? कोई डाउट और किसी को बोलो, पूछना है कुछ तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूछना है क्या बोलो जल्दी, हो गया ना? चलो फिर इतना पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे इससे। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, एंड कर दे रहे हैं मीटिंग।